والله انا اعرف ان القرآن انه كتب يعني فيها ضلالات كثيره جدا، وفي الحلال الحرام رد عليه الشيخ الفوزان يعني بكتاب الحلال الحرام، ولا وناقش الشيخ الالباني في تخريج احاديث الحلال الحرام، والرجل يعني نشيط في الباطل، نشاط قوي جدا مع الاسف الشديد في نصره الباطل والنشرين ومخالفه السنه وتاييد اهل البدع والدعوه الى الضلال، ويقول النصارى اخواننا، وليه تقول النصارى مو اخواننا؟ بارك ويا ويلك تقول الاشاعره يعني ما هم من اهل السنه، الى اخر مناصره الباطل والولاء للروافض، كما هو واحد من قيادات الاخوان من كبار قاده الاخوان الذين حرفوا هذا الدين على الاسف الشديد. نعم. احذروا من فتاوى الاخوان المسلمين، انصحكم لوجه الله، قالوا لكم قرضاوي، احذروا القرضاوي قرض الدين، يعني قصد الدين يا اخواننا، احذروا من فتاوى القرضاوي ومن فتاوى غيره، بارك الله فيكم، واجتهدوا بتحصيل العلم النافع. सवालात हैं, इन सवालात में से पहला सवाल ये है, किसी साथी ने, किसी भाई ने सवाल किया है, हाल ही में यूसुफ करजावी साहब की जिंदगी और खिदमात के प्रोग्राम पर रोशनी डालें, क्योंकि बाज़ सलफ़ी उलमा भी इसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि इश्तिहार में आया है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल ही मनहज से मुतालिक सवाल है और एकदम ताज़ा मसला है, क्योंकि ये मामला अभी 2-3 रोज़ पहले का है। और सवाल में क्या कहा जा रहा है कि यूसुफ करजावी साहब की ज़िंदगी और खिदमात पर प्रोग्राम हुआ है, उस पर रोशनी डालें, क्योंकि बाज़ सलफ़ी उलमा भी इसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि इश्तिहार में आया। तो देखें, जो यूसुफ करजावी साहब की ज़िंदगी, खिदमात और हयात पर जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, यकीनन हमें भी उसकी इत्तला हुई और इश्तिहार भी मिला अंग्रेज़ी ज़बान में, इसी तरह से एक वीडियो इश्तिहार भी मिला, जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बेपर्दा चेहरा खुला हुआ, एक बेपर्दा नौजवान बच्ची के ज़रिए से वो इश्तिहार कराया गया, यानी डॉक्टर यूसुफ करजावी की हयात व खिदमात के इस प्रोग्राम की तशहीर, इसका इश्तिहार कैसे कराया गया? एक तो इश्तिहार जो कागज़ में छपता है, फला तारीख को फला जगह फला प्रोग्राम होने वाला है, उसके बाद वीडियो की शक्ल में एक इश्तिहार किया गया, और उस वीडियो में एक नौ उम्र बच्ची चेहरा खोल करके वो इस प्रोग्राम का इश्तिहार कर रही है, फला फला तारीख को फला फला जगह ये प्रोग्राम हो रहा है, डॉक्टर यूसुफ करजावी की ज़िंदगी पर, उनकी हयात व खिदमात पर ये बच्ची कर रही है। मेरे भाइयों, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। प्रोग्राम पर मैं रोशनी डालूं, प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हुआ उस पर रोशनी डालूं, ये तो बात का मौजू, उससे पहले मौजू तो यही है कि भाई हम अल्लाह के फजल व करम से कुरान करीम की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में इस चीज़ को वाजिब समझते हैं मेरे भाइयों, कि एक बच्ची जो नौ उम्र है, बालिग हो चुकी है, उसका पर्दा वाजिब है, उसका चेहरा अजनबियों से छुपा हुआ होना चाहिए। अब इतनी पस्ती अगर समाज में आ जाए कि दीन के नाम पर, दावत के नाम पर, मदरसों के प्रोग्राम, उलमा की सीरत व किरदार के नाम पर कोई प्रोग्राम किया जाए और उसकी तशहीर में एक बेपर्दा मेरे भाइयों बच्ची को ला करके दुनिया के सामने आम किया जाए, किस कदर जिल्लत है, किस कदर पस्ती आ गई है, हमारे प्रोग्रामों का यह हाल हो गया। यानी हमारे प्रोग्रामों का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम तो नहीं था वो, यानी इस्लाम के नाम के प्रोग्रामों का, दीन और दावत और इदारों के नाम पर जो प्रोग्राम हो रहे उसके अंदर इतनी पस्ती आ गई, कौन सा रास्ता है?
सलफियत की राह, उसकी खुसूसियात, उसके इम्तियाजात, उसकी अपनी शान, मेरे भाइयों हमारे उलमा ने उसको बरता है और आज तक बरत रहे हैं। ये जो ट्रेंड आया है ऐसे भी तस्वीरों को लगा करके नशर करने का, खतीबों की तस्वीरें लगा करके, मुकर्ररीन की तस्वीरें लगा करके, उनके नाम नहीं बल्कि नाम के साथ उनकी तस्वीर को है ना शाये करना और उसकी उस इश्तिहार को दुनिया के अंदर आम करना, ये ट्रेंड भी मेरे भाइयों इख्वानियों का ट्रेंड है, सलफियों का ट्रेंड नहीं है। सलफियों का तरीका कभी नहीं रहा है। मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले ये काम डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी पीस कॉन्फ्रेंसों के अंदर ये बिदात शुरू की थी कि उलमा, चोटी के उलमा, चोटी के किबार उलमा अहले हदीस को बुला करके उनके 15-15 फिट के, 20-20 फिट के फोटो बना बना करके जलसे गाह के किनारे किनारे बाहर बाहर उनकी तस्वीरें लगा दिया। मेरे भाइयों ये तो वैसे ही हो गया जैसे फिल्मों के अंदर या क्या कहते हैं जो ये जहां पर फिल्में दिखाई जाती हैं, जहां पर फिल्में दिखाई जाती हैं वहां पर भी मेरे भाइयों उसके अंदर अदाकारी करने वालों, मर्दों की तस्वीरें, औरतों की तस्वीरें, हीरों की तस्वीरें, हीरोइनों की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। ऐसे ही तरीका अख्तियार किया जा रहा है कि अब उलमा के प्रोग्राम होने वाले हैं तो उलमा की तस्वीरें बड़ी बड़ी छाप छाप करके स्टेज के बाहर लगा दी जाए, बाउंड्री पर लगा दी जाए, इश्तिहार के अंदर। मेरे भाइयों क्या नाम लिखना और कहां से मुताल्लिक है वो और क्या डिग्री है, क्या तालीम है, क्या तखस्सुस है, क्या ये काफी नहीं है? अब उससे तजावुज करते हुए, हालत यहां तक पहुंची है कि बाकायदा लड़कियों को लाकर के दीनी प्रोग्रामों का इश्तिहार किया जा रहा है। मेरे भाइयों ये वही ये मेरे भाइयों इख्वानियत का तरीका है, इख्वानियों का तरीका है, तहरीकियों का तरीका है। ये इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, इस कदर यानी शर्म की बात है, इस कदर अफसोस की बात है कि आदमी बयान नहीं कर सकता है उसे। बिल्कुल हमारे दीन के प्रोग्रामों को भी वही शक्ल देने की कोशिश की जा रही है जो आमतौर पर मेरे भाइयों जो फिल्मों का अंदाज है, जो हीरो का अंदाज है, हीरोइनों का अंदाज है, ये तरीका है। टॉकीज में जो दिखाया जाता है फिल्मगाहों में वो तरीका अख्तियार किया जा रहा है। बहरहाल भाई ने पूछा यह है कि उस प्रोग्राम पर रोशनी डालें, प्रोग्राम पर रोशनी क्या डालना है? उस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर यूसुफ करजावी की हयात व खिदमात बयान की जा रही है। वो हयात व खिदमात, उनकी हयात व खिदमात, उनकी हयात व खिदमात बयान करने वाले लोग, उनकी हयात व खिदमात बयान करने पर मुश्तमिल जलसे का इनेकाद, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, और वो जहां इनेकाद किया जा रहा है, ये सब के सब लोग उसी अकीदे के हैं। आप सब लोग जानते होंगे सरसरी तौर पर या तफसीली तौर पर भी कि डॉक्टर यूसुफ करजावी साहब इख्वानुल मुस्लिमीन के एक बहुत नामवर आदमी हैं, इख्वानियत के बहुत बड़े अलमबरदार हैं। और ज्यादा तफसील का मौका नहीं है और ना मकसूद है कि वो तफसील से उस पर कोई खिताब जैसी बात की जाए, सवाल के जवाब के तौर पर चंद बातें इसलिए अर्ज करना है क्योंकि रोशनी डालने का मतलब यही होता है कि प्रोग्राम क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे क्या मकसद था। मेरे भाइयों तो वो जो इदारा है वो केरला में है, अल जामियतुल इस्लामिया के नाम से वो है और उस इदारे को कायम भी डॉक्टर यूसुफ करजावी साहब ने किया था और इसीलिए उसी फिक्र की तालीम वहां पर इख्वानियत की, तहरीकियत की और खुरूज की, अकल परस्ती की, एतदाल जदीद की, जमात इस्लामी वाली जो फिक्र है उसी की तालीम वहां पर होती है। उसके अंदर शरीक होने वाले है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले ये सब के सब उसी फिक्र के लोग थे, इसलिए वो प्रोग्राम उनकी जिंदगी पर वहां पर मुनक्किद हुआ। और चूंकि वो उस इदारे के बानी हैं इसलिए उनकी वफात के बाद अब उनकी हयात व खिदमत बयान करना उनकी जिम्मेदारी बनती होगी, इसलिए उन्होंने वो काम किया होगा। और उसके अंदर शरीक होने वाले भी आमतौर पर मेरे भाइयों कोई सलफी उसके अंदर नहीं है। जितने लोगों ने शिरकत की है, जो हमने इश्तिहार में जो तस्वीरें देखी हैं, जो नाम देखे हैं, उसमें से आमतौर पर लोग सलफी नहीं है। हमारे भाई ने पूछा है कि बात सलफी उलमा उसके अंदर शरीक हुए, आम तौर पर उसमें सलफी नहीं है। इक्का दुक्का नाम हमें अपने सलफी का लगा कि वो सलफी हैं, लेकिन अफसोस यह है कि उन्होंने सलफियत का नाम मेरे भाइयों, सलफियत का मकाम उन्होंने घटा दिया और सलफियों का सर शर्म से झुक गया
कि एक इख्वानी शख्स की तारीफ के लिए, उसकी मनकबत बयान करने के लिए, उसकी अजमत बयान करने के लिए एक सलफी आलिम भी उस स्टेज पर पहुंच जाए। बड़ा अफसोस किया हमारे उलमा ने, जिन्होंने भी देखा सुना, बड़ा अफसोस किया। और यकीनन मैं आपको क्या बताऊं, अभी हमारी मुलाकात शेख रमजान, शेख मोहम्मद बिन रमजान अल हाजिरी हाफिजहुल्लाह से हुई है, और उन्होंने भी इस वाक़े का जिक्र किया और सख्त मजम्मत की, सख्त मजम्मत की और हद दर्जा अफसोस का इजहार किया कि यह हालत हो गई है जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से। क्या हमने यही इल्म हासिल किया है? हमने कौन सा अकीदा सीखा? हमने कौन सा मनहज सीखा? क्या सलफियत इसी बात की तालीम देती है कि एक आदमी, ऐसा आदमी जिसका, जिसके, जिससे या जिसका इन्हिराफ सिर्फ और सिर्फ फिकही मसाइल में नहीं, माफ कीजिएगा, फिकही मसाइल में इख्तलाफ नहीं है, मसलकी झगड़े, मजहबी झगड़े, हनफी मालिकी शाफी हम्बली के झगड़े नहीं है, बल्कि उस आदमी का अकीदा मेरे भाइयों इन्हिराफ है, उसके अकीदे के अंदर, उसका मनहज, उसके मनहज में इन्हिराफ है। और लगे हाथों में समझता हूं कि एक दो बातों का जिक्र कर दिया जाए तो बेहतर होगा, शायद आपने जाना होगा, आपने जाना होगा, आपके इल्म में होगा, यही यूसुफ करदावी साहब हैं, इन्होंने यहां तक कहा और लिखा और इसकी दावत दी, फैलाया कि हमारा मुसलमानों का झगड़ा, मुसलमानों का इख्तलाफ यहूदियों से दीन की बुनियाद पर नहीं है, हमारा और यहूदियों का झगड़ा दीनी नहीं है, हमारा और यहूदियों का झगड़ा दीनी नहीं है, बल्कि जमीन का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, यानी फलस्तीन में जमीन का झगड़ा है कि कौन किसकी जमीन है और कौन किसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, ये जमीनों के झगड़े हैं, ये अकीदे का झगड़ा नहीं। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने अपनी आमद के साथ ही सारे अदियान और मजाहिब को बातिल कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब दुनिया में यहूदियत हो कि ईसाइयत हो, ये सब बातिल है, ये कुफ्र है। तो क्या इस्लाम का झगड़ा कुफ्र से है कि नहीं है? इस्लाम का झगड़ा यहूदियत से है तो कुफर से है कि नहीं? इस्लाम का झगड़ा ईसाइयत से है तो इसलिए है कि नहीं है कि यहूदियत और ईसाइयत कुफर हैं? मेरे भाइयों हमारा यहूदियों का झगड़ा, मुसलमानों का झगड़ा यहूदियों से, ये दीन का झगड़ा है, अकीदे का झगड़ा है। वो शिरको कुफर करने वाले लोग हैं, हम तौहीद के अलमबरदार हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसकी उन्होंने दावत दी कि यहूदियों से मोहब्बत रखो, यहूदियों को करीब करो, वो तुम्हारे भाई हैं, उनसे नफरत नहीं होनी चाहिए, उनसे हमारा झगड़ा दीन की बुनियाद पर नहीं। यही यूसुफ करजावी है मेरे भाइयों, जिन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह तबारक को ताला भी आसमान से उतर कर इलेक्शन में शरीक हो जाए, इलेक्शन में शरीक हो जाए तो अल्लाह तबारक को ताला को भी 99% वोट नहीं मिलेंगे। इस तरह से रब्बे जुजलाल की तौहीन करने का काम किया, अल्लाह तबारक को ताला की तौहीद, अल्लाह तबारक को ताला की आजमत पर पट्टा लगाया। इस तरह की अकीदा रखने वाला और हमारे चोटी के उलमा जो सलफियत के उलमा है, अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि इस तरह का अकीदा रखने वाला आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ऐसा आदमी इस बात पर, इस अकीदे की बुनियाद पर दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है, ऐसे शख्स से तौबा कराई जाए, फइन ताबा युस्तताब, फइन ताब वइल्ला कुतिल, ऐसे शख्स से तौबा कराई जाए, अगर तौबा कर ले तो ठीक है, वरना उसे रद हद्दन मुर्तद्दन कत्ल कर दिया जाए। ऐसे अकायद रखने वाला आदमी, और ये तो मतलब गैज़ुम मिन फैज़, बहुत कुछ में से चंद कतरे हैं ये, क्योंकि हमारा अभी ये मौजू नहीं है, ये मौका नहीं है कि हम इस पर सारी बात करें, इंशाअल्लाह कोई मौका आएगा तो तफसील से गुफ्तगू की जाएगी उनके लफ्जशों को, उनकी जलालतों को, उनके इनहिराफात को, उनकी बदअकीदगी को, उनके मनहज के फसाद को दलायल और हवालों के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में आपके सामने बयान किया जाएगा, ताकि ये जलालतें दुनिया के सामने आए। उनकी कारकर्दगी पर कॉन्फ्रेंसें हो रही, उनकी खिदमात पर कॉन्फ्रेंसें हो रही, उन्हें आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दाई और मुबल्लिग साबित किया जा रहा है। यह भी तो बताने की जरूरत है कि वो दाई हैं तो किस मनहज के दाई हैं, वो अगर मुबल्लिग हैं तो किस मनहज के मुबल्लिग हैं, उनका अकीदा क्या है, उनका ईमान क्या है, उनका मनहज क्या है। अकीदे में मेरे भाइयों गुमरही, और मनहज में गुमरही, फिक्र में गुमरही, नजरियात में गुमरही, हर जगह आपको गुमरही की भरमार नजर आएगी। लेकिन अफसोस ये है कि इन सब के बावजूद भी उनकी हयात खिदमात पर प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और अफसोस इस पर भी है कि हमारे सलफी उलमा भी उसके अंदर शरीक हो रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे दुख है, हद दर्जा दुख है उन उलमा से जो सलफियत के दाई हैं
और उसके बावजूद भी ऐसे स्टेजों के कि जीनत बने और वहां जाकर के तारीफ करके आए। कोई भी तावील करे, कितनी भी तावील करे, कोई कुफ्र की तावील क्या कर लेगा, कोई बदअकीदगी की तावील क्या कर लेगा, कोई मनहज के इन्हराफ की तावील क्या कर लेगा, कोई खारजियत की इख्वानियत की तावील क्या कर लेगा। मेरे भाइयों, कोई तावील की बात नहीं है। कोई झगड़ा फिकही मसले का होता, किसी मसलकी इख्तलाफ का मसला होता, हमसे ज्यादा रवादार कोई नहीं है दुनिया के अंदर, हमसे ज्यादा रवादार कोई नहीं है। हम कभी भी आमीन रफे देन और उसके अलावा पैरों को मिलाने या ऐसे ही इस तरह के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को कभी हमने इफ्तिराक या इंतिशार का सबब नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम है ना हनफी मस्जिदों के अंदर, देवबंदी मस्जिदों के अंदर हसबे जरूरत नमाज पढ़ लेते हैं। हमसे ज्यादा रवादार कोई नहीं है। ये झगड़े मसलक के नहीं है, ये झगड़े फिकी मसाइल से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये झगड़े सरासर अकीदे के झगड़े, ये इनहिराफ, ये जलालत, अकीदे की जलालत, अकीदे का इनहिराफ है, ये मनहज का इनहिराफ है। मेरे भाइयों, जो शख्स जिसका अकीदा बातिल हो, जिसका मनहज बातिल हो, जिसकी फिक्र बातिल हो, ऐसे शख्स की तारीफ नहीं की जाएगी। यहां एक बात और भी आपके सामने बतौर याद दहानी में कह दूं, हमने आपने जदीद मनाहिज के किसी सेशन में यह बात पढ़ी है कि सलफ सालहीन का तरीका यह नहीं था कि अहले बातिल की कुछ खूबियों की तारीफ की जाए, अहले बातिल की कुछ खूबियों का भी जिक्र किया जाए। सी बात है कि कोई ऐसा नहीं है जिसकी कुछ खूबियां ना हो, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हो सकती हैं, लेकिन उन खूबियों का एतबार नहीं है जब आदमी का अकीदा बातिल हो, उन खूबियों का एतबार नहीं है जब आदमी का मनहज फासिद हो, ऐसी सूरत पे खूबियों का जिक्र नहीं किया जाएगा। मुआजने का जाब्ता गैर सलफी जाब्ता है, मुआजने का जाब्ता सलफी जाब्ता नहीं है, शरई जाब्ता नहीं है। शरीयत का जाब्ता यह है कि मुआजना नहीं किया जाएगा। अहले बातिल, बदकीदा, बदमनहज लोगों के कभी भी की खूबियों का जिक्र नहीं किया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि इनके यहां अकीदे का ये इनहिराफ है, ये अकीदे में गुमराह हैं, ये मनहज में गुमराह हैं, ये अकीदे के अंदर शिर्क और कुफ्र करने वाले हैं, या तकारुब बैनल अदियान, यहूदियत ईसाइत और इस्लाम को आपस में मिलाने का अकीदा रखते हैं, लेकिन इनके अंदर फला फला खूबी पाई जाती है, इन्होंने फिकहुस ज़कात लिखी है, इन्होंने फला फला किताब लिखी है, ये किया है, वो किया है, इन तमाम बातों का जिक्र नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर हमने उनकी खूबियों का जिक्र किया तो इसका मतलब यह होगा कि हमने उनके बातिल अकीदे को तस्लीम कर लिया, उनके बातिल मनहज को मेरे भाइयों नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं है, ये अकीदा बातिल है चलेगा, ये मनहज खराब है तब भी चलेगा, क्योंकि इनकी ये खूबियां हैं, इनके ये कमालात हैं। हमने इस सिलसिले में आपके सामने वो सारी बातें पेश की हैं, यहां उसके इआदे का मौका नहीं है, गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, और भी चंद सवालात है, उसका भी तस्करा आपके सामने किया जाएगा। खुलासे कलाम यह है मेरे भाइयों कि ये जो करजावी कॉन्फ्रेंस दो रोजा हुई है, और मैं आपको बताऊं ये सिलसिला चल रहा है, जब बातिल के खिलाफ जमाने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल रही हैं, बातिल के खिलाफ कलम चल रहे हैं, अहले हक ने मीडिया के वसाइल से अवाम और खवास के सामने बातिल परस्तों के अकाइद अफकार और अकाइद नजरियात की कलई खोलना शुरू कर दी है, तो लोग अब दिफा में आ रहे हैं। हम उनकी अकीदे का इन्हराफ, उनके मनहज का इन्हराफ अपने उलमा की जबानी सुन रहे हैं, अवाम के अंदर बेदारी पैदा हो रही है, लोग उनके अकाइद से तौबा कर रहे हैं, लोग उनके मनहज से दूर हट रहे हैं, तो अब ये दिफाई पोजीशन में आए हैं। आपने पड़ोसी मुल्क में अभी बहुत जल्दी दो रोजा कॉन्फ्रेंस डॉक्टर इसरार के नाम से भी सुनी थी, वो भी हयात व खिदमात और कुरान की तफसीर के 50 साल, इस अंदाज से उन्होंने आकर के साहब को बुला करके इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उनकी हयात व खिदमात और कारनामों को बयान किया, ताकि दुनिया के सामने है ना ये सब चीजें बयान की जाएं, ऐसा ना हो कि हम पूरे तौर पर लोग मुतनफिर हो जाएं, दूर हो जाएं और लोग किनारा कशी अख्तियार कर लें। इसलिए वो अब अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे ही यहां पर मेरे भाइयों, अभी जो केरला की कॉन्फ्रेंस हुई है डॉक्टर यूसुफ करजावी के सिलसिले में, यह भी इसी हवाले से हुई है कि अब इनके कारनामों को उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि इनके बातिल को खोला जा रहा है तो लोग मुतनफिर हो जाएं,
कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अब ये कारनामा है, वो कारनामा है, आलम इस्लाम में ऐसा किया वैसा किया। मेरे भाइयों, इंसाफ ये है कि तुम उनकी बदअकीदगी दुनिया के सामने रखो, इंसाफ ये है कि उनके मनहज का फसाद दुनिया के सामने लाओ, ताकि उम्मत उनको फॉलो करके बदअकीदा ना हो जाए, उम्मत उनको फॉलो करके उनके फासिद मनहज को कबूल ना कर ले, खारजियत की राह पर, राफिदियत की राह पर दुनिया ना चली जाए, ऐसे ही इख्वानियत की राह पर, तकफीर की राह पर दुनिया ना चली जाए। इसलिए हमें उम्मत को इससे आगाह करने की जरूरत है। अब ये कितने अफसोस की बात है कि हम पहुंच जाएं और उनकी तारीफ करना शुरू कर दें। मेरे भाइयों, ठीक है, मैं नहीं कहता कि चंद मसाइल पर रद्द भी किया गया, चंद मसाइल पर तनकीद की गई है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वो चंद मसाइल जिन पर तनकीद की गई है वो हल्के मसाइल थे, वो फिकही मसाइल थे, वो बिलमुकाबिल उन मसाइल के जो मसाइल अकीदे के मसाइल हैं, जिनका ताल्लुक कुफ्र ईमान से है, उन मसाइल से मुकाबले में जिनका ताल्लुक मनहज के फसाद से है, मनहज के सलाह से है, उन मसाइल के मुकाबले में हल्के मसाइल हैं, मामूली मसाइल हैं, इससे कोई आदमी बरी जिम्मा नहीं हो सकता कि हमने दो तीन गलतियों का तस्करा कर दिया है। मेरे भाइयों, हमें अव्वलन तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की जीनत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे अवाम जो हमारी किताबों को पढ़ते हो, हमारी तकरीरों को सुनते हो, हमारे दुरूद से फायदा उठाते हो, उनके जहनों में गलत फहमी पैदा हो जाएगी कि अगर उनकी तारीफ करने के लिए हम जा रहे हैं तो उनका अकीदा भी दुरुस्त है, उनका मनहज भी दुरुस्त है, और वो भी काबिल एहतराम है, वो भी काबिल इस्तिफादा, ये गलत फहमी पैदा होगी। इसके अंदर तलबीस है, इसके अंदर खल्त मल्त होने का मामला है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। आपन उन वाकयात का अंदाजा लगाइए जिन वाकयात में हमारे असलाफ अहले बातिल की एक छोटी सी बात भी कबूल करने को तैयार नहीं थे, अहले बिदात के साथ चंद मिनट रास्ते में चलना गवारा नहीं करते थे, अहले बिदात के साथ सफर करना गवारा नहीं करते थे। हमारे असलाफ कहा करते थे, एक बिदाती मेरे साथ इकट्ठा हो जाए किसी कमरे में, किसी घर में मेरे साथ एक बिदती इकट्ठा हो जाए, मुझे यह गवारा नहीं है, मेरे साथ कोई खिंजीर रहे, मेरे साथ कोई कुत्ता रहे, वो गवारा है, लेकिन मेरे साथ कोई बिदती रहे, मुझे यह गवारा। हमारे असलाफ का तो यह तरीका था मेरे भाइयों, यह बहुत खतरनाक मसला है। अल्लाह वास्ते हमें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको मनहज और उसूलों की गहराई को समझने की तौफीक अता फरमाए। यह रवादारी नहीं है, ये वसदियत नहीं है, ये इतदाल नहीं है कि हक और बातिल को खल्त मल्त कर दिया जाए, ये इंसाफ नहीं है मेरे भाइयों कि हक और बातिल के अंदर लफ्ज तलबीस पैदा कर दी जाए, नहीं, हक ये है, इंसाफ ये है कि बातिल को बातिल कहा जाए, हक को हक रहने दिया जाए, कुफ्र और शिर्क को कुफ्र और शिर्क कहा जाए, अकीदे की बिदतों को अकीदे की बिदत कहा जाए। इस तरह के पहाड़ों जैसे जराइम को हम चंद अल्फाज के अंदर मेरे भाइयों बयान करके उस पर हम मेरे भाइयों क्या कर लें, हम उसको इस अंदाज से नजरअंदाज कर दें कि इतने बड़े इमाम थे, इतने बड़े आलिम थे, इनसे गलतियां तो हुई हैं और ये चंद गलतियां आपके सामने पेश की गई हैं, लेकिन कमाल अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, ये मुनासिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिर उनसे इस्तिफादा करने में कोई हर्ज नहीं, उनको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, उनसे इस्तिफादा करने में कोई हर्ज नहीं, अब उनके बातिल अकीदे, बातिल नजरियात, बातिल मनहज हमारे अवाम पढ़ना शुरू कर दें, खवास पढ़ना शुरू कर दें, जबकि चोटी के उम्मत के उलमा, उम्मत के चोटी के उलमा, मेरे भाइयों ममलकत सऊदी अरब के चोटी के उलमा, अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान हफिज़हुल्लाह, और उनके अलावा दीगर उलमा, मेरे भाइयों अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे उलमा और आज भी जो उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, शेख मेरे भाइयों सुलेमान बिन सलमान, सुलेमान सलीमुल्लाह रुहैली हफिज़हुल्लाह, और चोटी के जो उलमा हैं शेख सालेह बिन अब्दुल अजीज आल शेख हैं, शेख अब्दुल अजीज आल शेख जो मुफ्ती आम हैं, या उनके अलावा शेख उदयान हैं, शेख लुहैदान हैं वगैरह, ये सारे के सारे उलमा बतौरे मिसाल मेरे भाइयों, जिस शख्स को बदअकीदा बताते हैं, जिस शख्स के मनहज के इन्हिराफ को दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं, हम किस तरह से उनकी तारीफ और उनकी तौसीफ करने के लिए तैयार हो जाएं, कैसे स्टेजों पर जा करके उनकी मनकबत बयान करना शुरू कर दें,
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर बरीउ जिम्मा होना है तो हमें इनसे बरात का इजहार करके बरीउ जिम्मा होना होगा। हमें बातिल से बरात का इजहार, हमें बदअकीदगी से बरात का इजहार, हमें मनहज के इन्हिराफ से बरात का इजहार करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी मेरे भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सलफियत है और ये इख्वानियत के अलमबरदार है। सलफियत इख्वानियत दोनों के अंदर कोई तालमेल नहीं है मेरे भाइयों। और एक बात याद करें, अल्लामा अभी अभी शेख मोहम्मद बिन रमजान अल हाजिरी हाफिज़हुल्लाह कह रहे थे, ये अजीबोगरीब बिदअत दुनिया के अंदर आम हो गई है कि लोग जो है नाम, असली नाम के साथ एक मजीद नाम का इजाफा करते हैं। असली नाम के साथ मजीद नाम का इजाफा, सलफी के साथ इख्वानी सलफी, सलफी के साथ जिहादी सलफी, सलफी के साथ इल्मी सलफी, सलफी के साथ ऐसा सलफी। कहते हैं नाम के साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा नाम है वो बातिल है, उस बातिल को हक के साथ मिला करके उसको भी हक साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कोई इख्वानी सलफी नहीं होता। सलफियत उस रास्ते का नाम है जो अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में, सहाबा और ताबीन की सीरत में आ चुका है। उसमें कोई तफरीक नहीं थी, ऐसा सलफी वैसा सलफी, ऐसा सलफी वैसा सलफी। ये एक नया फितना है मेरे भाइयों। जैसे लोगों ने इस तरह की बातें और भी बहुत सारे पहलुओं पर की है। मिसाल के तौर पर अब गाना है तो गाना हराम है, गाना हराम है, म्यूजिक हराम है। अब कोई उसको इस्लामिक म्यूजिक कहना शुरू कर दे, कोई इस्लामी गाना करना कहना शुरू कर दे, तो इस्लामी लगाने से वो गाना इस्लामी तो नहीं हो जाए, वो म्यूजिक इस्लामी तो नहीं हो जाए मेरे भाई। ये मसला बहुत संगीन है और ये सब भी इन्हीं इख्वानियों तहरीकियों का तरीका है। इन लोगों ने इस्लाम की छवि को बिगाड़ने के लिए, उसकी सच्चाई और हक्कानियत को बातिल से खल्त मल्त करने के लिए तरीका अख्तियार किया हुआ है। याद रखें कि ये चीजें सलफियत को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, सलफियत की जड़ों को खोदने वाली हैं। अवाम जो सलफी मनहज से जुड़ी हुई है उनको शुभे में डालने का काम है, उन्हें कंफ्यूज करने का काम है। मेरे भाइयों, हमारा काम यह है हमारी जबान से कोई ऐसी बात ना हो जिससे बातिल को एक जर्रा भी मदद पहुंचे, हमारे कलम से कोई ऐसी बात ना लिखी जाए जिससे बातिल को एक जर्रा हिमायत पहुंचे, हमारे मीडिया से, हमारे दीगर वसाइल से, हमारी किसी भी चलत फिरत दौड़ भाग से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे बातिल की हिमायत होती हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए, बहुत संजीदगी से गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। ए जामिया अपना फख्र ज़मन, ए नाज़िश मुल्को शाने वतन, ए गुल कदाए शादाब दकन, ए हिंद के दिल की है धड़कन, ए हिंद के दिल